नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख करते हैं पहली खबर की ओर। सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड खिलाड़ी कुशाग्र के साथ शतरंज खेल, सीएम योगी ने बढ़ाया उत्साह। खेल और खिलाड़ियों के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगाव जग जाहिर है, और जब बात खेल की नन्ही प्रतिभाओं की हो तो फिर कहना ही क्या। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री में देश के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड खिलाड़ी गोरखपुर निवासी कुशाग्र अग्रवाल के साथ शतरंज खेलकर उत्साह वर्धन किया। सीएम योगी ने इस लिटिल चैंप से शतरंज के खेल में मोरों की चाल और शह मात पर खूब बात की। वही मिशन शक्ति के आगामी चरण के तहत अक्टूबर से दिसंबर तक होंगे महत्वपूर्ण कार्यक्रम। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार अपने विजन को प्रदेश में मिशन शक्ति के रूप में आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मिशन को और अधिक प्रभावी बनाने और महिलाओं को और अधिक सशक्त करने के लिए शारदीय नवरात्रि में इसके पांचवें चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। मिशन शक्ति के पांचवें चरण के तहत व्यापक पैमाने पर गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जो कि दिसंबर माह तक चलेगा। इन कार्यक्रमों में महिलाओं के साथ साथ बच्चों को भी सम्मिलित किया गया है। कार्यक्रम की श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑपरेशन मुक्ति, बाल कार्निवल, वीरांगना दिवस, स्वावलंबन कैंप समेत कई कार्यक्रम शामिल हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के प्रति जागरूकता लाने के साथ साथ उन्हें इससे लाभान्वित करना भी है। इधर योगी सरकार ने 80% खरीफ की फसल का सर्वे किया पूरा। योगी सरकार ने प्रदेश भर में बोई जाने वाली खरीफ की फसल के डिजिटल क्रॉप सर्वे का 80% काम पूरा कर लिया है। प्रदेश के 84,000 से अधिक राजस्व गांव में शुरू किए गए डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत 47,000 से अधिक गांवों में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जबकि कुल 4.5 करोड़ से अधिक प्लॉट्स में बोई खरीफ की फसल के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। ये कुल प्लॉट्स का 80% है। इनकम्प्लीट सर्वे में से 3 करोड़ से अधिक प्लॉट्स के सर्वे को अप्रूवल में भी मिल चुका है, जो 82% है। वहीं सर्वे में प्रदेश के टॉप 10 जिलों में जौनपुर अव्वल रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर गाजियाबाद है। इधर रेशम का उद्योग में नवाचार, उत्पादन और डिजाइनिंग को प्रोत्साहन देने के लिए 8 श्रेणियों में पुरस्कार देगी योगी सरकार। योगी सरकार के रेशम विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में रेशम उत्पादन और संबंधित क्षेत्रों में असाधारण दान देने वाले व्यक्तियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान प्रदान किया जाएगा। ये सम्मान 8 विभिन्न श्रेणियों में दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य रेशम उद्योग में नवाचार, उत्पादन और डिजाइनिंग को प्रोत्साहन देना है। वहीं ग्रीन फील्ड 4 लेन सड़क के लिए NHAI ने खोजे 3 रूट, यूपी के कई जिलों को मिलेगा बड़ा फायदा। उत्तर प्रदेश में ग्रीन फील्ड 4 लेन सड़क के निर्माण के लिए NHAI ने 3 रूट तलाशे हैं। गाजीपुर से जमानिया होते हुए सैयद राजा तक बनने वाली सड़क से कई जिलों को फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 2700 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर में 2 लेन का बाईपास भी बनाया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़।